व्हाट इज दिस कैलोरी, चलना नहीं है, फिरना नहीं है, ये क्या है? जब आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी तो मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी शुगर, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा गोल है प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है, कि माँ भी हेल्दी हो, सेफ हो, बच्चा भी हेल्दी। हम कहते हैं कि वॉक जो है वो नहीं करनी या इतना नहीं चलना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, जबकि मैं और आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर भी चल रहा होता है और इवन समटाइम्स तो डिलीवरी का दिन भी होता है, वहीं पे ड्यूटी होती है और उसी दिन डिलीवरी भी जो है उनकी एग्जैक्टली वहां चली जाती है। तो व्हाट इज दिस कैरी, चलना नहीं है, फिरना नहीं है, ये क्या है? ओके, जैसे मैंने पहले बताया, एक्टिव प्रेगनेंसी रहेगी सही तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहेंगी। प्रोफेसर डॉक्टर नुद्रत ने बड़े अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर का भी हमें बताया, हाँ। शुगर का बताया, इनके होने के चांसेस भी कम रहेंगे। फिर आजकल एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया, सी सेक्शन तो नहीं हो जाएगा डॉक्टर साहब? ठीक है, अगर आपकी एक्टिव प्रेगनेंसी होगी, आप चलते फिरते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी की शराब या ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, हाँ, अंटिल अनलेस देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने नहीं ज्यादा एक्सरसाइज करनी, यू कैन डू माइल्ड टू मॉडरेट एवरी एक्सरसाइज। ठीक हो गया, कार्डियो भी कर सकते हैं, माइल्ड वॉक भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सरसाइजेस जैसा बॉक्सिंग है उसको अवॉइड कर लीजिए, योगा कर सकते हैं, देयर इज प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जैक्टली योगाज हैं उनके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आपके मसल्स को खोलते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है? जब आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी तो मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी शुगर, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा आगे जाके जब आप एक्सरसाइज खासकर थर्ड ट्रेमेस्टर में करेंगे तो बेबी का हेड नीचे मूव करेगा। ओके, वेरी नाइस। जब वो नीचे मूव करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, रिकमेंडेशंस क्या है कि क्या नॉर्मल एट एनी कॉस्ट जो है, क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी को डॉक्टर नुद्रत जो है वो डिलीवरी को इन्फोर्स करना चाहिए? क्योंकि ये देख, ये मिथ्स है ना ये भी, के कुछ भी हो जाए नॉर्मली बच्चा पैदा करना, तो इसके बारे में क्या है? सवाल है, और जब हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे आपसे, हाँ, तो हमने बात की थी सिजेरियन सेक्शन रेट की, हाँ, कि जो तनासुब है सिजेरियन सेक्शन के ऑपरेशन का वो पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। ठीक अब है। वो क्या अवामिल है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे? हाँ। प्रमोट तो हम आज के दिन भी बैठ के नॉर्मल डिलीवरी करते हैं और कोशिश करते हैं। ठीक है। सो जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को सेफ होना चाहिए, ठीक है, देखिए जो बात है वो सेफ्टी क्या है, हाँ, कि जो माँ है खैर और आफियत से प्रेगनेंसी और डिलीवरी में से गुजर जाए और पोस्टपार्टम पीरियड में से गुजर के हेल्दी अपना एक बेबी लेके उसकी परवरिश करे। ठीक है, ये हमारा गोल है प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है, कि माँ भी हेल्दी हो, सेफ हो, बच्चा भी हेल्दी। सो अब ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए नॉर्मल हम बिल्कुल ट्राई करते हैं वहां तक जहां तक माँ को कोई नुकसान ना पहुंचे और बच्चा आपको हेल्दी मिले, उसे कोई जहनी माजूरी या जिस्मानी माजूरी ना हो। मतलब देखिए, जब लेबर पेन्स आती हैं, अगर बहुत लंबा लेबर होगा, ठीक है, और अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा 12-14 घंटे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की भी एक डेफिनेशन है कि फर्स्ट स्टेज है लेबर की, जब वो डायलेटेशन, दर्दें शुरू हो और डायलेट हो, स्टेज टू है कि बच्चे का सर नीचे आए और बाहर बेबी पूरा डिलीवर हो, और थर्ड है कि प्लेसेंटा भी खैरियत से डिलीवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा भी 500 ग्राम्स का ऑर्गन है, यानी कि जितनी एक लिवर है, आपने देखी होगी लिवर कितनी, बिल्कुल बिल्कुल, और जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो तकरीबन 500 मिल्स तक ब्लड का माँ लूज कर जाना कोई वो नहीं है, अनहोनी बात। इसको हमने 500 से एक्सीड नहीं करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन सेक्शन में 1000 मिल है। अब आप ये देखिए कि ये ग्लास 250 मिल्स है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी अगर माँ ने ब्लड लूज करने के बाद उसका रिजर्व कितना, ठीक हो गया, क्या मदर की सेफ्टी है? पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में हम मदर्स को लूज करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, या खून के ज्यादा जाया हो जाने की वजह से, ठीक है। सो नॉर्मल डिलीवरी वहां तक जहां पे सेफ्टी है, सेफ्टी है, सिजेरियन सेक्शन वहां पे शुरू होता है जहां पर माँ या बच्चे की सेफ्टी या वेल बीइंग कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सिजेरियन सेक्शन का रेट दुनिया में बढ़ गया, ठीक है, जैसे सारे पढ़े लिखे लोग, इदारे, WHO, सारे ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट उसे नीचे लाने की कोशिश करते रहते हैं, ऑनगोइंग वर्कशॉप्स होती हैं, एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, मिडवाइफ्स को ट्रीट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि ये हम सेफ्टी के दायरे में रहें,
ठीक है, एट द एंड प्रेगनेंसी का आउटकम होना चाहिए माँ और बच्चा हेल्दी हो। अच्छा, बड़ी खूबसूरती से आपने ये बयान किया है कि प्रायोरिटी ये है कि बच्चा और माँ जो है वो हेल्दी हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा हो या वो सी सेक्शन से चीजें जो है वो हो रही है। अगर एक बच्चा ज़हनी तौर पे लंबी लेबर लेके माजूर हो जाएगा तो वो नहीं भूलेगा, हाँ, एक सिजेरियन भूल जाएगा। ट्रू, 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 लेकिन 5 साल तक हमेशा सारी जिंदगी उस पेरेंट्स के लिए वो एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। अभी देखिए कि जो माँ होती है ना वो 24/7 उस बेबी के साथ होती है। हमारे पास सीपी बेबीज आते हैं, हमारे पास और इसी तरह से मेंटली हैंडीकैप बेबीज आते हैं, माँ को तो वो इतवार वाली भी छुट्टी नहीं। ट्रू, ट्रू, उसके लिए तो वो 2 घंटे भी मतलब। एंड इट्स नॉट ओनली कि ये कोई हम अभी लो सोशो इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी और वो कह रही थी, उसके 3 बच्चे कह रही थी कि आई एम गोइंग टू अमेरिका टू स्लीप। मैंने कहा यार तुम इतने पैसे खर्च करके अमेरिका जा रही हो अपनी माँ के पास, कहती आई वॉन्ट टू रेस्ट। सो कैन यू इमेजिन वट इज द प्लाइट ऑफ इवन एजुकेटेड वुमन हैविंग 2 kids, 3 kids एंड नॉट गेटिंग टाइम फॉर देमसेल्फ। True, I agree with this. situation mein handicap bacche ko manage karna is really challenging.